हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएनसी कैटकम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ड्यूअल टाइम क्या होता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और हर जगह इसका यूज किया जाता है जहां इसकी जरूरत होती है, बट कैंडिडेट को समझ में नहीं आता कि ये क्यों लगाया जाता है। तो इसमें मैं दोनों में बताऊंगा इसका सिंटैक्स क्या होता है, यानी कि सानू कंट्रोल में अगर हम यूज करेंगे तो क्या किस तरीके से यूज करेंगे, और सीमेंस में यूज करेंगे तो किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में चीज है आज हम जानेंगे। ये ड्यूअल टाइम हमेशा हमें यूज जो करते हैं, मान लो कहीं भी एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए हमें मशीन को रोकना है, तो कई बार क्या है, जैसे टैरेट इंडेक्सिंग में भी कुछ मशीनों में प्रॉब्लम आती है, तो वहां पे भी इसे डालते हैं कि मशीन जो है एक को जो है कुछ टाइम मिल जाए ताकि ये प्रॉपर वर्किंग कर सके, जो पैरामीटर की कैलकुलेशन है जो मशीन की वो कर सके, तो उसके लिए भी डालते हैं। कई बार जो प्रोग्राम में हमें कहीं बर वगैरह आती है, तो जैसे हम आईडी ग्रुपिंग का टूल चलाते हैं, तो मान लो आईडी ग्रुपिंग है कोई, ठीक है, और यहाँ पे आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, यहाँ पे आपको रोकना, आप चाह रहे जल्दी निकाल रहे हैं तो आपको लगता है बर छूट रहा, तो एक सेकंड के लिए यहाँ पे आप चला सकते हैं। ज्यादातर इसे ग्रुप वगैरह में ही चला जाता है इस तरीके से, अगर तेजी से निकालेंगे तो बर जाता, तो एक सेकंड के लिए रोक देते हैं ताकि यहाँ पे जो भी बर वगैरह या जो भी प्रोफाइल में दिक्कत आ रही है कॉर्नर में, तो हम 004 डाल के उसे एक सेकंड के लिए यूज कर सकते हैं। इसे कई जगह यूज किया जाता है, जैसे मैंने बताया आपको टैरेट इंडेक्सिंग में, प्रोग्राम में भी, प्रोफाइलिंग में, कहीं पे भी अगर आपको चलाना है, या प्रोग्राम के डिपेंड करता है अलग अलग कंपोनेंट के किस तरीके का कंपोनेंट है, तो सब जगह अलग अलग तरीके से इसका काम आता है। अब मेन ये चीज है भाई, हम इसे डाले तो डाले कैसे, अगर आपको फानो में डालना है तो जिस लाइन पे आपको कोई भी, मान लो एक्स वाई जेड आपकी लाइन है 01x200.0, ठीक है, यहाँ पे आपने, अब आप चाहते हो इस लाइन के चलने के बाद जो है मेरा ये एक सेकंड मशीन रुक है, तो अभी ये फानो कंट्रोल के लिए हम देख रहे हैं, सीमेंट का भी हम देखेंगे, दोनों का हम देखेंगे, ठीक है, तो किस तरीके से ये डालना चाहिए, तो ये चीज हमें आपको देखनी होती है। तो अब इसके बाद डालोगे तो इसके बाद डालने का इसका मतलब क्या है, तो इसे जो है हम कैसे लिखेंगे, G04, ये जो ड्यूअल टाइम कोड होता है, जो जी कोड है होते हैं मशीन में, और इसके साथ जो सिंटैक्स लिखा जाता है X1.0, यानी कि एक सेकंड डालना, तो G04 लिख के X1.0 लिखेंगे ये फानुक में, अगर आपको ये दो सेकंड या चार सेकंड के लिए रोकना है तो हम लिखेंगे G04X3 या तीन सेकंड के लिए रोकना है, तो इस तरीके से ये हम लिखेंगे, जितने भी आप सेकंड के लिए रोकेंगे उसको इसी तरीके से हम लिखते जाएंगे। अब बात आती है हमें फानो का, तो ये समझ में आ गया सीमेंस में आपको लिखना है, तो भाई सीमेंस में किस तरीके से लिखेंगे, तो सीमेंस के प्रोग्राम में भी, कंट्रोलर में भी सेम तरीका है, जो अब इसमें क्या करते हैं, सेम मान लो कोई लाइन है आपकी G01X250 मान लो यहां ले लेते हैं, और 3.2 है, अब यहाँ पे जो हम इधर डालना, तो इसमें जो G04 हम डालेंगे सीमेंस कंट्रोल में, तो हम लिखेंगे F1.0, यानी कि इस तरीके का यहाँ पे एक्स आता है, ये अलग अलग कंट्रोल के हिसाब से सिंटेक्स चेंज कर दिया गया, बट इसका मतलब जो है सेम ही है, यहाँ पे भी वही मतलब है, यहाँ पे भी वही मतलब है, तो यहाँ पे भी इस तरीके से डाल सकते हैं, एक सेकंड के लिए इतना, और आपको तीन सेकंड के लिए डालना, तो ये इस तरीके से ये लिखना होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हम फानुक और सीमेंस कंट्रोल के लिए ये चीजें लिखते हैं, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी सी देखने में, बट जब आदमी अटकता तो समझ में नहीं आता, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी इंटरव्यू वगैरह में भी आपसे कोई पूछ सकता है, तो इसी तरीके से आपको, मैं उम्मीद करता हूँ पूरा अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।